60 आवर्स टू ग्लोरी। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अपनी टीमों से। मेरा नाम लेफ्टिनेंट इब्राहिम। माय स्ट्रेंथ इज दैट आई एम अ टीम कैप्टन एंड आई कैन कमांड टीम इन एनी डिफिकल्ट टाइम। मेरा नाम कैप्टन उज़ैर हसन। जिंदगी में बचपन से ही अपने फादर को एक यूनिफॉर्म में देखा था एंड आई फेल्ट दैट सेंस ऑफ प्राइड, और वो एक सेंस ऑफ प्राइड था जिसने मुझे जो है अपने अट्रैक्ट किया इस इंस्टीट्यूशन की तरफ, और आज मुझे मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं इसी इंस्टीट्यूशन में सर्व कर रहा हूँ। मेरा नाम लेफ्टिनेंट हुज़ैफ़ा। मैं इस टीम में बतौर पेट्रोल लीडर हूँ। कमांड एंड कंट्रोल मेरा मेन टास्क है। And we've got the Uzbek team manager with us right now. We are first time in this competition, but before that we participated a lot of different competitions and we want to just win gold medals. It's a very great opportunity for exchanging experience between us and the others army as well. Is waqt studio mein maujood hamare bahut hi khas mehman jo hamare safar mein hamare sath musalsal rahenge, डायरेक्टर पैट्स जनाब ब्रिगेडियर मोहम्मद फरहान यूसुफ साहब। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू। टीम्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट किरदार किसका है? इफ आई हैव टू पॉइंट आउट वन मैन, इट्स द टीम लीडर। टीम लीडर तगड़ा है तो वो टीम फर्क डालेगी, जुदा नजर आएगी पूरे कॉम्पिटिशन में। अपने अपने शहरों की टीम को सपोर्ट कीजिए, तैयारी फुल स्विंग में है। ओनली द बेस्ट विल सर्वाइव। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखरे आलम और ये है 60 आवर्स टू ग्लोरी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रियलिटी शो जो 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबलों पर मबनी है। दोस्तों बहुत ही जानदार शुरुआत हुई है हमारे इस प्रोग्राम की। आप लोगों के पैगामात, आप लोगों की कमेंट्स और मोहब्बतें सोशल मीडिया के थ्रू हम तक पहुंच रही हैं और इसकी वजह से हमारा और हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स का जोश और जज्बा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसी तरह अपनी मोहब्बतों का सिलसिला जारी रखिए, हमें पैगामात पहुंचाते रहिए ताकि 60 आवर्स टू ग्लोरी का ये सफर इसी तरह रवा दवा रहे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ 60 आवर्स टू ग्लोरी। मैं हूं फखरे आलम। हमारा ये जोश और जज्बे का सफर रवा दवा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रियलिटी शो आप लोगों की स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के सोशल मीडिया के थ्रू कॉमेंट्स हम तक मौसूल हो रहे हैं। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपनी टीमों को, अपने शहरों को सपोर्ट करते रहिए। आज 3 नई टीमों से भी मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ ही हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों के रूए रवा करते धरता द डायरेक्टर पैट्स ब्रिगेडियर मोहम्मद फरहान यूसुफ साहब। ब्रिगेडियर साहब वेलकम टू अनदर एडिशन। थैंक यू। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यह है कि ये जो इलाका आपने सिलेक्ट किया है मशकों के लिए, इस कॉम्पिटिशन के लिए, ये इलाका क्यों? इट्स अ सेमी माउंटेनस टेरेन imposes a fair degree of challenge to display all sets of skills which these teams have learned. इन्होंने जो कुछ सीखा है वो सब डिस्प्ले कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे मुकम्मल इम्तिहान लेने के लिए कि जितनी ट्रेनिंग है वो सारी की सारी नजर आनी चाहिए। Absolutely. अच्छा, क्या ये मुकाबले और इलाकों में भी किए जा सकते हैं, पाकिस्तान के बर्फानी इलाकों में, सहराओं में, साहिली इलाकों में? Absolutely. तमाम किस्म के इलाके, हर किस्म का टेरेन ऑन द कार्ड्स है और आने वाले सालों में यू मे विटनेस दिस कॉम्पिटिशन हैपनिंग इन अ वेरी वेरी डिफरेंट टेरेन। एक नए इलाके में, एक नई एनवायरनमेंट में इसको कराया जाए। वो हमारे टीचर होते थे ना, वो मुश्किल से मुश्किल सवाल ढूंढते थे इम्तिहानात के लिए। क्या आपका भी वही रवैया होता है कि मुश्किल से मुश्किल टेरेन नक्शा खोल के आप ढूंढते हैं? नहीं, हम मस्ट डू, शुड डू एंड कुड डू पे इसको चलाते हैं, बिल्कुल मुश्किल को नहीं देखते। मस्ट डू, शुड डू, कुड डू। दोस्तों इसके साथ ही आइए आपको मिलवाते हैं आज की पहली टीम से। तो आइए चलते हैं रोशनियों के शहर कराची की तरफ। मेरा नाम कैप्टन अरसलान जाहिर है। मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर, वेट 75 केजीज और मैं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों में एज अ टीम लीडर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। आई एम अ थर्ड जनरेशन ऑफिसर। मुझसे पहले मेरे वाले साहब और मेरे दादा पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर चुके हैं। मैं उन्हीं की लेगेसी को जारी रख रहा हूँ। क्योंकि ये एक स्मॉल यूनिट एक्शन टीम है, इसमें हर जवान का किरदार बहुत ज़रूरी होता है। टीम लीडर का किरदार इसलिए भी अहम है कि उसने तमाम जवानों को लेकर चलना होता है।
सामने दुश्मन के इलाके में 60 से 70 घंटे तक रहना होता है, इसलिए यह कॉम्पिटिशन को भी उसी लिहाज से बनाया गया है। दो रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन बट आई एम बाय द बुक ऑफिसर। वल्दार इमरान, बेस्ट टीम एज ए 2IC। मेरा कद 5'7", मेरा वेट 72 kg है। एक अच्छा 2IC अपने लीडर के बोझ को कम करता है, जो अहकामात पर अमल करता है और उन पर अमल करवाता भी है। अगर मैं ये कंपटीशन जीत जाता हूँ तो अपनी जीत अपनी पूरी टीम के नाम करूँगा। मेरा नाम नायक गुलाम अब्बास है, मेरा वज़न 68 kg है, मेरी हाइट 5'11" है। मैं इस कंपटीशन में बतौर टीम NCO हिस्सा ले रहा हूँ। मेरा काम नेविगेशन करना। खेल में मैं सबसे ज़्यादा फायर को पसंद करता हूँ। इस कंपटीशन में सबसे मुश्किल मरहला स्पीड मार्च है, जो कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर होती है और इसमें कैजुअल्टी उठाकर भागना होता है। मेरा नाम लांस नेक जायद है और मैं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट में LMG नंबर 1 की ड्यूटी कर रहा हूँ। MTM विश में हमारी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके बाद असॉल्ट प्ले सेक्शन में LMG की ज़रूरत होती है, उससे दुश्मन पर काफ़ी हावी रहता है बंदा। मश्क जंग का अमली खाका होती है, इसलिए हम खुद को जंग की हालत में समझते हैं और उसी तरह का रवैया अख्तियार रखते हैं। मश्क का मकसद ही हौसला बढ़ाना है, हौसला टूटने का मतलब है कि मश्क में नाकाम होना। इसी तरह हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए अपने मकसद की तरफ चलते हैं। मेरा नाम लांसनाक तजम्मल है, मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर है, मेरा वेट 70 kg है। जब हम अपनी मिशन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है, हमारे सामने जो भी दुश्मन आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मुश्किल हालात में हमारा साथी जो जख्मी हो जाता है वो हमारी फैमिली की मानद है, हम उसको साथ लेके जाएंगे, हम उसको अपने से ज़्यादा उसको तरजीह देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। सबसे मुश्किल मरला NTAMBUSH और AMBUSH के ऊपर होता है, दूसरा असॉल्ट बाई सेक्शन, क्योंकि इसके साथ क्रॉलिंग भी ज़रूरी होती है और दूसरे अपने साथियों के साथ कंटैक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा नाम लांस नेक इब्राहिम अहमद है, हाइट 169 सेंटीमीटर है, मेरा वेट 64 kg है। मैं पाकिस्तान आर्मी टीम सीपरेट में बतौर राइफल मैन काम करता हूँ। मैंने पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खिदमत के लिए ज्वाइन की। मेरे लिए सबसे फ़ख्र का दिन जब मेरी पासिंग आउट परेड थी, वहाँ पे मेरे घर वाले भी मौजूद थे, जो अपनी इस टीम के साथ प्रैक्टिस में गुजरे हुए दिन ने वो मेरे लिए सबसे यादगार दिन है। हम अगर जीत जाते हैं तो अपनी कामयाबी हम टीम कैप्टन के नाम करेंगे। टीम का सबसे अहम रुकन स्काउट है, जो हमें लेके चलता है। लाइट मशीन गन वाला जवान सबसे ज़्यादा वजन उठाता है, जब हमारे ऊपर एम्बुश होती है तो वो हमें फायर बेस मुहैया करता है। मेरा नाम लांस नायक मोहम्मद इमरान है, मेरी हाइट 179 सेंटीमीटर है, वज़न 70 kg है और मैं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट में बतौर सिग्नलर काम करता हूँ। सिग्नलर की पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट में बहुत अहम जिम्मेदारी होती है, वो अपनी बटालियन के साथ रबते में रहता है और बटालियन के जो पैगामात होते हैं वो अपने टीम कैप्टन तक पहुँचाता है और टीम कैप्टन के पैगामात अपनी बटालियन तक पहुँचाता है। मशक में जो हम ट्रेनिंग करते हैं वो जंग के बहुत ज़्यादा करीब होती है, क्योंकि इसका मकसद यही होता है कि हम अच्छी ट्रेनिंग करके दुश्मन का सही तरह मुकाबला करें। मेरा नाम लांस नेक वकास अली है, मेरा कद 5'9" है और मेरा वज़न 73 kg है। मैं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट में बतौर स्काउट हिस्सा ले रहा हूँ। मेरे ट्रेनिंग के दौरान पाँव पे चोट आई थी, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि मैं जल्द सेहत याब हो जाऊँ और अपनी टीम का साथ दूँ। पाकिस्तान
तो जनाब ये थी कराची की टीम। उम्मीद करते हैं कि कराची के रहने वाले और कराची के गिर्दनवा जितने भी लोग हैं वो अपनी टीम को भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे। ब्रिगेडियर फरहान ये बताइए कि ये नायक गुलाम अब्बास नेविगेटर जो थे वो कह रहे थे कि जो स्पीड मार्च होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो स्पीड मार्च लगता है तो कहने में बड़ा सिंपल है कि मार्च होगा और तेज तेज होगा, क्यों उनको इतना मुश्किल लग रहा है? ये कॉम्पिटिटिव है, मार्किंग स्लाइडिंग स्केल पे होगी और इसमें केएलटी कैरी करनी है और ये उस स्टेज पे किया कराया जा रहा है जब तमाम टीमें थक के चूर हो चुकी हैं और किसी न किसी स्टेज की कंडीशनिंग उनकी पहुंची हुई है वेयर बाय दे आर ओवरस्ट्रेच्ड। तो गोया ये आखिरी मरहल में होगा जब ये मुकाबले आखिरी मरहल, तो तब तक अगर टीम्स को कोई चोटें लग चुकी हैं, इंजरीज हो चुकी हैं, तो वो सब उसके बावजूद उनको ये करना पड़ेगा। ये आखिरी कंपटीशन, ये आखिरी इवेंट है इस कंपटीशन का। और जो कैजुअल्टी उठाकर लेकर आएंगे उसका वजन लगभग कितना होगा? तकरीबन 60 किलो। 60 किलो। तो ये जो कैजुअल्टी उठाकर ले जाने का मकसद है, इसका असल जंगी सूरत हाल के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट होता है? इसका इम्पैक्ट ये है कि अपने किसी भी साथी को, चाहे वो जख्मी है या शहीद है, उसको पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, उसको अपने इलाके में बहरहाल लाना होगा। Well, there you have it. 60 hours to glory. Leave no man behind. और इसके साथ ही आइए मुलाकात करवाते हैं बरादर मुल्क तुर्की की टीम से। बोथ इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट में हिस्सा लेने वाली तीसरी टीम कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के दोस्त मुल्क तुर्की की है। टीम तुर्की की पाकिस्तान आमद पर उनका इस्तकबाल पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स ने किया और फिर कोविड एसओपीज के मद्देनजर टीम मेंबर्स के कोविड टेस्ट किए गए, जिसके बाद उनको टूर्नामेंट रूल्स के मुताबिक बायो सिक्योर बबल में शिफ्ट कर दिया गया। तुर्की को भी बाकी टीम्स की तरह बैट्स ऑफिशियल्स ने इलाके की मुश्किलात और खतरात से आगाह किया और उनको मुख्तलिफ इक्विपमेंट दिया गया जो इन 60 घंटों में उनके काम आएगा। पाकिस्तान की तरह तुर्की भी इंतहाई अहम इलाकाई अहमियत रखने वाला मुल्क है और यही वजह है कि अपनी हिफाजत और अजमत के लिए हर आन तैयार है टीम तुर्की। देखना होगा कि 60 आवर्स टू ग्लोरी में टीम तुर्की कैसा परफॉर्म करती है। टीम तुर्की को मुख्तलिफ वेपन से भी फेमिलियराइज कराया गया जिससे उन्होंने मुख्तलिफ फायर आर्म्स की रेंज का अंदाजा लगाना है। तुर्की भी बाकी टीम्स की तरह जीतने के लिए पुरअज़्म है।
तो जनाब ये था टीम टर्की का इंट्रो, आपने मुलाहिजा किया। पाकिस्तान और टर्की के बड़े जबरदस्त और करीबी मिलिट्री कोऑपरेशन रही है माजी के अंदर, तारीख है उसकी पूरी की पूरी। बिल्कुल, हमारी दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत ही करीबी मिलिट्री कोऑपरेशन रहा है और दोनों मुल्कों ने हमेशा एक दूसरे के साथ शाना बशाना तमाम चैलेंजेस को फेस किया है। और इवन नाउ तुर्की की टीम एक मजबूत मध्य मुकामिल साबित होगी और हमेशा ये विक्ट्री स्टैंड के ऊपर मौजूद रही है, जितने भी आज तक पैट्स कॉम्पिटिशन इससे पहले मुनक्किद हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ इस दफ़ा भी इनकी टीम विक्ट्री स्टैंड के ऊपर कहीं ना कहीं जरूर होगी। काफी टफ अपोनेंट साबित हो सकते हैं। एब्सोल्यूटली गुड राइवल्स दे आर गोइंग टू बी। राइवलरी की जहां तक बात आती है तो हमने आपको आज पहले कराची की टीम से तारुफ करवाया, ठीक है। अब वक्त आया है कि हम आपको, ये भी एक बड़ी ट्रेडिशनल राइवलरी है पाकिस्तान की और वो है कराची लाहौर की। आइए चल के नजर डालते हैं लाहौर की टीम पर। मेरा नाम कैप्टन काशिफ है, मेरा वेट 60 केजी और हाइट 172 सेंटीमीटर है। मैं इस टीम का टीम लीडर हूँ। मेरा काम मिशन को पूरा करना और पेट्रोल की कमांड करना। दौरान ऑपरेशन हमारे जहन में ये ख्याल होता है कि हम दुश्मन के एरिया में हैं और दुश्मन की तरफ से किसी भी टाइम हमारे ऊपर हमला हो सकता है, इसके लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं। इस मुकाबले में सबसे मुश्किल मरला उस वक्त होता है जब कोई टीम मेंबर जख्मी हो जाता है। यह मुकाबला बैन अल-अक़वामी मुकाबला है। इसमें बाहर से टीमों के साथ मशकें करने से बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है और अपने इल्म में और फौजी सलाहियत में इजाफा होता है। इस मुकाबले के बाद मैं ये कह सकता हूँ तमाम टीमों के जवान जंग में हिस्सा लेने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मेरा नाम हवलदार सईद मुदस्सर अली है, मेरा वज़न 68 केजी है और हाइट 176 सेंटीमीटर। टीम में 2IC की जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी कमांडर की गैर मौजूदगी में पेट्रोल की कमांड करना और इसकी हर किस्म की सिक्योरिटी का ख्याल रखना। मैं आर्मी में रहते हुए फायरिंग कंपटीशन, असल्ट कोर्स और क्रिकेट खेलता हूँ। फायरिंग कंपटीशन में भी मुझे अवार्ड से नवाजा जा चुका है। एम्बुश से बचना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि एम्बुश दुश्मन ऐसी जगह पर लगाता है जहाँ से आपके पास बचने का बहुत कम चांस होता है। अपने अंदर के खौफ को ख़त्म करने के लिए मैं अपने अल्लाह को याद करता हूँ। मेरा नाम नायक मोहम्मद खालिद, हाइट 174 सेंटीमीटर, वज़न 74 किलोग्राम। मैं टीम में बतौर नेविगेटर काम करता हूँ। टीम को मुंतहिब शुदा रास्ते पर लेके जाना मेरा काम है। ऑपरेशन में जाते हुए हमें ये जहन में होता है कि जिस मिशन के लिए हम भर्ती हुए थे वो वक्त हमारा आ गया और हम उसको पूरा करने के लिए हम जा रहे हैं। मेरा नाम हवलदार मुदस्सर, कद मेरा 177 सेंटीमीटर और मेरा वेट 72 केजी है। मैं टीम में LMG नंबर 1 हूँ। मेरा काम किसी भी नगयानी सूरत हाल में फायर मुहैया करना। हमारे लिए मुकाबले में मुश्किल मरहला आता ही नहीं है क्योंकि हम इससे पहले टफ टाइम में ट्रेनिंग कर चुके होते हैं कि हमें आखिरी दिन तक कोई किसी किस्म के मुकाबला मुश्किल लगता ही नहीं है। मुझे डिव और कोर लेवल के मुकाबलों में अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इस मश के बाद टीम का हर जवान जंग के लिए तैयार हो जाएगा। नाम मेरा सिपाही कामरान है, वज़न मेरा 64 केजी है और कद मेरा 177 सेंटीमीटर है। मैं टीम में राइफलमैन हूँ और जो मेरा जिम्मेदारी का इलाका है उस पर मेरा काम नज़र रखूँ। इस मुकाबले में सबसे मुश्किल मरहला इन सवालों के जवाब देना है। इस मशक में कुछ ऐसे मरहले हैं जो हमें जंग के लिए मुकम्मल तैयारी देते हैं। नाम मेरा हवलदार राजा इरफान है, वेट मेरा
70 kg, हाइट मेरी 180 सेंटीमीटर है। इस कंपटीशन में मेरी सिग्नलर की जवाबदारी है, पूरे ऑपरेशन में पेट्रोल को कम्युनिकेशन मुहैया कर रहा हूँ, ज़रूरत पड़ने पर अटर्ली का फायर मंगवाना और एमरजेंसी की सूरत में हेली से रब्ता करो। पाक फौज ज्वाइन करने की मेरी वजह हुब्बुल वतनी जज्बा और इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए अपनी ज़िंदगी को सर्व कर रहा हूँ। यह जो हम मश कर रहे हैं, ये एम्बुश और माइलफील्ड के लिए ही होती है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों में से एक भी मुश्किल नहीं लगी। मेरा नाम सिपाही मोहम्मद खान है, वज़न मेरा 70 किलोग्राम है और हाइट मेरा 177 सेंटीमीटर है। टीम में मैं LMG-2 हूँ। LMG-1 के शहीद होने पर या बीमार होने पर मैं उसकी जगह संभालूंगा। मैं किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ, इस वजह से कि मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ। मेरा नाम नाइक नुमान मोहम्मद, कद 181 सेंटीमीटर, वज़न 70 kg। मुझे इस कंपटीशन में कोई मरहला मुश्किल नहीं लगता, मैं हर मुश्किल के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान आर्मी मैंने इसलिए ज्वाइन की कि मैं अपने कौम और मुल्क की खिदमत करूँ और ये मेरा जज्बा और जुनून था। जब मैं ऑपरेशन में जाता हूँ तो मेरे जहन में अपने मुल्क और कौम की खिदमत करना होता है। राइट दोस्तों, तो आपने देखी लाहौर तेज़ वतन की टीम, बहुत ही तेज़ और तंदुरुस्त टीम लग रही थी। पेड़ फरहान, हवलदार मुदस्सिर अली जो थे वो कह रहे थे कि जो एम्बुश वाला चैलेंज है वो बड़ा मुश्किल होता है, क्यों? ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें सरप्राइज का एलिमेंट दुश्मन के हाथ में चला जाता है, और अगर आप इस ऑपरेशन में या एम्बुश में फंस गए हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या बचती है? ईदर टू जंप फ्रॉम अ क्लिफ और फाइट योर वे बैक आउट ऑफ अ जेपर्डी। अरे वाह, Either to jump off a cliff or fight your way out of a jeopardy. इस किस्म के चैलेंजेस हैं on the 60 hours to glory. चैलेंजेस से याद आया कि ये जो अगली राइवलरी है ये भी बड़ी जबरदस्त है। हमने कराची की टीम आपको दिखाई, लाहौर की टीम आपको दिखाई, इसके बारे में ब्रिगेडियर फरहान आपका क्या कहना है? कराची वर्सेज लाहौर, बिहारी वर्सेज पाए, बिरयानी वर्सेज पलाव। This is the spice of this competition, where the best of the best are confronting each other, and let's hope to find a very very interesting competition between these two teams. Welcome to Kakul, Pakistan Army School of Physical Training. ये 60 आवर्स टू ग्लोरी, आप भी जीत के बन सकते हैं हमारे सुपर फैन और शामिल हो सकते हैं तमाम एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए और हासिल कर सकते हैं ए ग्रेट ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री एज योर विनिंग प्राइस। देखते रहिए 60 आवर्स टू ग्लोरी। स्क्रीन पे आए हुए सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पर जाकर और आइए काकुल, जहां पे आपका इंतजार कर रही है पैरा ग्लाइडिंग, पैरा सेलिंग, मोटराइज्ड ग्लाइडिंग, इसके अलावा बहुत सारे और एडवेंचर्स। कीप वॉचिंग। पानी में करनी पड़ेगी लड़ी।
वेलकम टू चराट बूट कैंप होम ऑफ द एसएसजी। सुपर फैन बनकर आप जीतेंगे ट्रिप टू द चराट बूट कैंप जहां पे बहुत सारा एडवेंचर है। लेकिन साथ साथ में सर्वाइवल रेंज पे आपको मिलेगा मौका सीखने का वो तमाम गुर जो सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। यू कुड बी अ जॉन रैम्बो एज वेल। सिक्स आवर्स टू ग्लोरी पे सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पे, बिकम अ सुपर फैन और जीतिए इस तरह के एडवेंचर जो मुंतजिर हैं आपके। एंड कम टू द ईगल्स नेस्ट एट द स्काई ब्रिज, साउथ एशिया लॉन्गेस्ट ज़िप लाइन। दोस्तों आज हमने बात की एक बहुत बड़ी राइवलरी की, कराची बा मुकाबला लाहौर। क्रिकेट का खेल हो, कोई और खेल हो या फोर्थ इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबले हो, ये राइवलरी बड़ी स्पेशल है। अगले एपिसोड में हाजिर होंगे तीन नई टीम्स के साथ और स्पाइस लेके आपकी खिदमत में, गुजरांवाला, भावलपुर और श्रीलंका के साथ। आप देख रहे हैं 60 आवर्स टू ग्लोरी। मैं हूं फखरे आलम, टेक केयर योरसेल्फ, गुड नाइट। आज आपकी मुलाकात तीन और टीमों से करवाएंगे, गुजरांवाला सरफरोश, भावलपुर थंडर्स और दोस्त टीम श्रीलंका। तो तैयार हो जाइए। जो इंटरनेशनल टीम नेविगेशन और उसकी इंट्रीकेसीज को बेहतर समझ जाएगी और लोकल कंडीशंस के साथ जल्दी अडेप्ट करेगी, वो टीम बेहतर परफॉर्म करेगी बनिस्बत उन टीमों के जो देर लगाएंगी एडजस्ट करने। मेरे ख्याल से एक जवान को मेंटल फिट होना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो एक कंसिस्टेंसी के साथ ही पूरे कॉम्पिटिशन को ख़त्म कर सके। इसका मेयार तमाम मुकाबलों से टफ रखा गया है ताकि इंसानी लिमिट्स को टेस्ट किया जा सके। मेरा फायर सबसे बेस्ट है इसलिए आज इस टीम का मैं हिस्सा हूं। इस कंपटीशन में सबसे मुश्किल मरहला वाटर क्रॉसिंग है। मेरा काम है नक्शे के बारे में जानकर अनग्राउंड जमीन के ऊपर अपनी टीम को लेकर मंजिल मकसूद तक जाना। सिलसिला शुरू होगा बाकायदगी से उन 60 घंटों के सफर का जिसके लिए हम सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं। हम आपको लेकर चलेंगे असेंबली एरिया पे जहां पे तमाम टीमें असेंबल होंगी और उनके पहले तीन टेस्ट होंगे, इनिशियल किट इंस्पेक्शन, सिग्नल्स कम्युनिकेशन और वेपन्स आइडेंटिफिकेशन। आप देख सकते हैं कि थंडर्स पुरजोश हैं, सरफरोश कॉन्फिडेंट है और श्रीलंका की टीम वाजे तौर पे समझदारी के साथ ये खेल खेलेगी। टीम लीडर तगड़ा है तो वो टीम फर्क डालेगी, जुदा नजर आएगी पूरे कंपटीशन में। सिक्सटी आवर्स टू ग्लोरी।